Hello friend, today talk about coding. What is coding and use coding and how to learn it. So talk about in this topic. So computer और mobile में आज कल हर किसी की दिलचस्पी होती है और हर कोई समय के साथ चलना चाहता है. अगर आप computer program, mobile app, website, games या फिर software में किसी भी चीज़ को सीखने और यूज़ करने की रुचि रखते हैं तो पहले आपको प्रोग्रामिंग सीखनी होगी. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग कर प्रोग्राम बनाए जाते हैं. कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट डिवाइसेस, इन सभी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही मेहनत से बनाई जाती हैं. वेबसाइट्स लेकर स्मार्टफोन तक, सॉफ्टवेयर तक, बिना प्रोग्रामिंग और कोडिंग के कुछ भी संभव नहीं है. व्हाट इज़ कोडिंग? कोडिंग इज़ ए प्रोग्राम लैंग्वेज. कंप्यूटर पर हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा काम इसी के ज़रिए किया जाता है. कोडिंग के ज़रिए ही कंप्यूटर को बताया जाता है कि उसे क्या करना है, यानी कंप्यूटर को जिस भाषा को समझता है उसे कोडिंग कहा जाता है. अगर आपको कोडिंग लैंग्वेज आती है तो आप बड़ी आसानी से वेबसाइट, ऐप बना सकते हैं. इसके अलावा कई सारी चीज़ें कोडिंग लैंग्वेज से की जा सकती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स. कोडिंग कितने प्रकार की होती है? कोडिंग कई प्रकार की होती है, जैसे जावा, C++ और पाइथन. कोडिंग कैसे सीखें? कोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले बात आती है, इंग्लिश होनी चाहिए. मतलब आपके पास थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, तभी आप इसे अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ होता है और सभी चीज़ें इंग्लिश में कोड करनी पड़ती हैं. सेकंड आता है, कोडिंग सीखने के लिए आपको बेसिक चीज़ें जैसे C++, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए और HTML, वेब डेवलपमेंट के लिए ऐप, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोडिंग सीख सकते हैं. आखिर कौन कौन सी साइट कोडिंग को सिखाती हैं? जैसे W3School.com एंड www.tutorials.com एंड कुछ और भी साइट हैं, जैसे कि freecodecamp.org, theaudienproject.com, learns.csorg, codewarrens.com. इन सभी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं.